हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल चुबर में। नागपुर महाराष्ट्र के सैयद रियाज अहमद की कहानी उन स्टूडेंट के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है जिन्हें लगता है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छा होना जरूरी होता है, जहां एवरेज स्टूडेंट कभी से एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सैयद इस मामले में अपवाद हैं, या यूं कहें कि ये साबित करते हैं कि एक साधारण परिवार और परिवेश से आया एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर चाह ले तो यूपीएससी तो क्या कोई भी परीक्षा पास कर सकता है। साल 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर सैयद रियाज अहमद ने पांचवें अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की है। बारहवीं में फेल हुए सैयद चार बार यूपीएससी में भी असफल हुए। आइए जानते हैं उनके संघर्ष से सफलता की कहानी। एक एवरेज स्टूडेंट भी आईएएस बन सकता है, इस मिथ को तोड़ने के अलावा सैयद दो बातों में और अपवाद बनते नजर आते हैं। पहला तो ये है कि उनके माता पिता खास शिक्षित नहीं थे। माँ ने सातवीं तक पढ़ाई की थी और पिता मात्र तीसरी पास थे, और घर में पढ़ाई के लिए कोई खास वातावरण भी नहीं था। लेकिन फिर भी सैयद ने इन बातों को कभी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। उनके पिता खुद खास पढ़े नहीं थे, पर उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को खूब पढ़ने पर जोर दिया और हर तरह से उन्हें सहयोग किया। इसी का परिणाम है कि चारों भाई बहनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। दूसरे अपवाद की बात करें तो जैसा कि हर स्टूडेंट को लगता है कि यूपीएससी केवल आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से निकले स्टूडेंट ही पास कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सैयद ने सिंपल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वे हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट से भी कम रहे हैं। अपने जीवन के कठिन दिनों को याद करते हुए सैयद बताते हैं कि जब वे बारहवीं में फेल हुए तो उनके एक टीचर ने पिता को बुलाकर कहा कि आपका बेटा जीरो है, जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सैयद को ये बात बहुत बुरी लगी, पर वे अपने अब्बू की वो लाइनें कभी नहीं भूलते। जब उन्होंने टीचर को जवाब दिया कि वो एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा, अपने अब्बा का खुद पर यह विश्वास भी एक कारण था कि जब कभी सैयद की हिम्मत डोलती तो वे याद कर लेते थे कि चाहे जो भी हो जाए यूपीएससी तो पास करनी ही है। सैयद इस क्षेत्र में आने के पीछे ये कारण बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, पर परिवार ने कभी सपोर्ट नहीं किया, तो उन्हें लगा कि आईएएस वे माध्यम है जिसके द्वारा वे अपनी इस इच्छा को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं, वे समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। साल 2013 से सैयद ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और 2014 में पहला अटेम्प्ट दिया। इस समय उन्होंने यूपीएससी के बारे में खास जानकारी नहीं थी और तैयारी के लिए वे पुणे चले गए। इसके बाद वे दिल्ली आ गए और जामिया में एडमिशन ले लिया और दूसरे अटेम्प्ट में भी प्री नहीं क्लियर हुआ। इस बार कारण था ज्यादा प्रश्न कर देना, जिससे नेगेटिव मार्किंग हो गई। तीसरे अटेम्प्ट में सैयद प्री और मेंस पास कर गए, लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए। खैर बात आगे बढ़ी तो स्ट्रेटजी बदलकर सैयद ने चौथा अटेम्प्ट दिया, इसमें मेंस नहीं क्लियर हुआ। ये वो समय था जब उन्होंने ये क्षेत्र छोड़ने का फैसला लगभग कर ही लिया था, पर पिता के समझाने से रुक गए और अंत में साल 2017 में उन्होंने परीक्षा के तीनों चरण पास कर लिए और आईएएस पद के लिए सिलेक्ट हो गए। सैयद बताते हैं कि जब दो बार फेल हुए तो लगा कि टीचर सही ही कहते थे, मैं वास्तव में जीरो ही हूं, पर पिता और परिवार के सहयोग से उन्होंने तैयारी जारी रखी। तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सैयद को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें अब घर से पैसे लेकर पढ़ाई करना ठीक नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि इस उम्र में उन्हें घर पर पैसे देने चाहिए, पर उल्टा वे ले रहे हैं। इस स्टेज पर उनके पिता ने उनसे कहा कि चाहे घर बेचना पड़े लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे। चौथे अटेम्प्ट में फेल होने के बाद सैयद ने तय कर लिया कि इस फील्ड में नहीं रहना है। तब उनके पिता के साथ एक वाकजुद हो जाने के बाद उनसे कहा कि तुम्हारी मर्जी, पर ये सोच लो कि ये सपना फिर सपना ही रह जाएगा। पिता की बात से सैयद बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं, इस बार पूरा दम लगा देंगे। अंततः ईश्वर ने सैयद का साथ दिया और पांचवें अटेम्प्ट में वे आईएएस ऑफिसर बन गए। सैयद कहते हैं कि इतने सालों तक बार बार असफलता का मुंह देखना आसान नहीं था, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था कि एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
जब कभी हिम्मत हारने लगते तो लोगों के ताने याद करते और फिर मेहनत करने के लिए प्रेरित हो जाते। इस दौरान उनके पिता ने भी उनका पूरा सहयोग किया, उनसे ज्यादा उन पर भरोसा दिखाया, जिससे सैयद की हिम्मत बहुत बंधी। रिश्तेदारों की बातों पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया, जो कभी उनकी उम्र बढ़ने या कब तक नहीं कमाएगा जैसी बातों पर उनके परिवार को नसीहत दिया करते थे। परिवार के सहयोग, कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने के जज्बे के साथ सैयद ने आखिरकार सफलता हासिल की। वे कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको सैयद रियाज अहमद की संघर्ष से सफलता की कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।